हमने कहा अभी तक आप इस पर दें, हमने कहा अभी तक हम लोग मराठा जो चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत की थी उस चैप्टर में शिवाजी से होते हुए मराठा छत्रपति यानी कि जो शासक था मराठों का जो प्रधान था वो छत्रपति कहलाता था। शिवाजी से होते हुए संभाजी, संभाजी से राजा राम, राजा राम से ताराबाई, ताराबाई से शाह, ठीक है, इसको होते हुए हम अभी तक छत्रपति के विषय में अध्ययन किए। इसी बीच साहू के शासनकाल में जो 1707 से लेकर 1748 तक उसका पीरियड था, उसी शासनकाल में आपके पेशवा का उदय होता है, ठीक है। यद्यपि पेशवा शिवाजी के प्रशासन के समय ही मौजूद थे लेकिन पेशवा एक मंत्री के रूप में थे, एक सचिव के रूप में कार्य करते थे, ना कि वो प्रधान राज्य के थे। लेकिन यहाँ तक आते आते हमने देखा कि पेशवा जो है वो प्रधान भूमिका में आ गया था, ठीक है। अब पहले पेशवा जो बनाए गए किसके शासनकाल में, साहू के शासनकाल में। यहाँ आप देखिएगा साहू का शासनकाल कब है, 1707 से लेकर 48, ठीक है। इस शासनकाल में जो हमारे पेशवा बनाए गए वो पेशवा पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, जिनकी प्रधान भूमिका थी। यद्यपि मराठा प्रशासन की ये सातवें पेशवा थे, कौन से पेशवा थे, सातवें नंबर के, ठीक है, लेकिन सातवें नंबर का जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ वो प्रधान भूमिका में कब आता है, साहू के शासनकाल में। पहला वो नाम था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1720 तक। दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। चौथे पेशवा माधव राव, ठीक है, 1761 से लेकर 1772 तक। फिर नारायण राव 1772 से लेकर 1774 तक। उसके बाद माधव राव नारायण वो 1774 से 1796 तक। और उसके बाद बाजीराव सेकंड 1796 से लेकर 1818 में। और इसी 1818 में बाजीराव द्वितीय को परास्त करने के बाद अंग्रेजों ने मराठा को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। ये आप पेशवाओं को नोट कर लीजिए, इनके टाइम पीरियड को। अब इनके इनके समय में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं को जरा देखिए कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं आता हूं बालाजी विश्वनाथ पे। पहला पेशवा 1713, अब चूंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है तो हम चाहेंगे कि हम उन्हीं बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें जहां से आप जो आपके हित में हो और जहां से आने की प्रबल संभावना हो, ठीक है। तो अब बालाजी विश्वनाथ को आप याद रखिएगा, पहले पेशवा 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ साहू के शासनकाल में जब 1707 में साहू ने छत्रपति का पद संभाला, ठीक है, उस शासनकाल में पहली बार बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद दिया गया, सेना यानी सेना का प्रधान, ठीक है। यह बालाजी विश्वनाथ ये सब ये जो है पेशवा चित्पावन ब्राह्मण थे, कोंकण के तट पर स्थित वहां के रहने वाले चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन, ठीक। इसके शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में 1713 से 20 तक का जो इसका टाइम पीरियड था,
इसमें एक प्रमुख घटना घटित होती है 1719 में, ये ध्यान रखिएगा। 1719 में प्रमुख घटना ये घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? इसने मुगल साम्राज्य के मीर बख्शी पद पर जो व्यक्ति था, ठीक है, हुसैन अली खान, मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी पद, मीर बख्शी यानी कि सेना का प्रधान, नाम क्या था? हुसैन अली। यही हुसैन अली सैयद बंधुओं, जो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान उस समय क्या था? वजीर पद पे था और हुसैन अली खान मीर बख्शी पद पे था। इसका जो है किसके साथ संधि होती है? बालाजी विश्वनाथ के साथ, हुसैन अली खान और बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि होती है, ठीक है। इस संधि की शर्तें आपकी बस जबानी सुन लीजिएगा, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संधि की शर्तें ये थी कि हुसैन अली खान ने कहा कि उस समय मुगल साम्राज्य के दरबार में जो एक तरीके से वर्चस्व के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली का साथ देंगे, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा, हुसैन अली के जरूरत पड़ने पर 15,000 सैनिक मुगल राज्य की सहायता के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 10,00,000 रुपए वार्षिक कर भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बदले जो है, इसको क्या था, बालाजी विश्वनाथ को वहाँ के स्वराज के जो क्षेत्र थे वहाँ से चौथ वसूलने का, वहाँ पर उसके अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ साथ जो तत्कालीन समय में बाला मतलब पेशवा ने या उसके समय में जो अधिकार हैदराबाद, कर्नाटक, बरार, खानदेश आदि क्षेत्रों पर हुआ था, उसकी मान्यता प्रदान कर दी गई। आप संधि की शर्तों को जरा भी दिमाग में मत रखिए, क्या क्या था, बस इतना याद रखिएगा कि संधि 1719 में किसके बीच में, हुसैन अली खान और बालाजी विश्वनाथ को। और इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने क्या किया, मैग्ना मराठा का मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था, रिचर्ड टेम्पल ने, रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा इसको, मराठों का मैग्ना कार्टा, मराठों का मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बालाजी विश्वनाथ के विषय में हमको सिर्फ ये चित्पावन ब्राह्मण थे, 1713 से लेकर 1720 तक टाइम पीरियड था। इसने जो है पहली बार क्या पद संभाला, सेना करते का पद संभाला था। उसके बाद 1713 में इसे पेशवा बनाया गया और इसने जो है 1719 में हुसैन अली खान के साथ और संधि की, इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा किया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पेशवा के विषय में। दूसरा पेशवा आपका कौन था, आपके बाजीराव प्रथम। दूसरा पेशवा आपका है बाजीराव प्रथम। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1720 से लेकर 40 तक, ठीक। अब बाजीराव प्रथम के विषय में जरा देखिए क्या क्या है। पहली बात, शिवाजी ने एक पद अपने राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रहण किया था, उस पद का मतलब एक उपाधि धारण की थी, क्या थी, और एक अपने एक संकल्प व्यक्त किया था कि हम इसको हिंदू पद पादशाही, हिंदू पादशाही की का संकल्प व्यक्त किया था, ठीक है। और उपाधि क्या धारण की थी, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, मैंने शिवाजी पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था।
यही संकल्प जो शिवाजी ने व्यक्त किया था वही संकल्प बाजीराव प्रथम ने भी व्यक्त किया, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया इसके साथ, चूंकि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी माहिर थे, मराठा सैनिक माहिर थे, और इसके शासनकाल में गुरिल्ला युद्ध नीति को पुनः लागू किया गया, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध नीति इसके शासन में जब शिवाजी के बाद, फिर अगर इसकी शुरुआत किसने की थी, गुरिल्ला युद्ध नीति की शुरुआत बाजीराव प्रथम ने की थी, और कौन सी उपाधि धारण की थी, हिंदू पद पादशाही का संकल्प व्यक्त किया था, ठीक है। दो फैक्ट आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, ठीक है। तीन बातें हमने, हिंदू पद पादशाही का आदर्श व्यक्त किया, गुरिल्ला युद्ध नीति पुनः शुरुआत की, चरम पर पहुंची इसके समय में, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के रूप में याद किया जाता है इसे, ठीक। अब इसके शासनकाल की घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं जरा देख लीजिए। पहली बात आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जब मैं उत्तर मुगल कालीन शासकों के विषय में पढ़ रहे थे हम लोग, उसी समय मैंने आपको एक बात कही थी कि निजामुल मुल्क दरबार के षड्यंत्रों से ऊब कर दक्षिण की तरफ गया, और दक्षिण का सूबेदार, ठीक है, दक्षिण की तरफ गया, और दक्षिण के सूबेदार मुबारिस खां से सपूर खेड़ा का युद्ध किया था, ठीक है, और उसमें निजामुल मुल्क मुबारिस खां को परास्त किया था। उस सतपुर खेड़ा के युद्ध में जो कब हुआ था, 1724 में, कौन सा युद्ध था, सतपुर खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क की सहायता प्रदान को सहायता प्रदान की थी। पहला एक फैक्ट इसके समय में, चूंकि 1720 में यह पेशवा बना, पहला इसके जो प्रमुख कार्य किया था वो 1724 में सपूर खेड़ा का, इसमें किसकी सहायता प्रदान की थी, निजामुल मुल्क को, ठीक है, जो चिंकिलिज खां या असफजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जरा देखिए कि 1728 में, ठीक, 1728 में उसी निजाम के साथ, निजामुल मुल्क के साथ बाजीराव प्रथम का युद्ध होता है, कहां पर, पाल खेड़ा में, पाल खेड़ा, ठीक है। इस पाल खेड़ा में किसके बीच युद्ध होता है, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, ठीक है, पाल खेड़ा का युद्ध होता है। इस पाल खेड़ा के युद्ध में बाजीराव निजामुल मुल्क को परास्त करता है, और उसके बीच एक संधि होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कब घटना हुई, 1728 में। इसके बाद देखिएगा कि 1731 में, 31 में दो घटनाएं होती हैं। एक, इसने मराठा, एक सरदार था, सामंत था, उसका नाम था त्रिंबक राव, ठीक, उसको युद्ध में इसने परास्त किया, ठीक है,
और दूसरा ये था 1731 में ही साहू जी, ठीक, और साहू जी के साथ साथ जो आपके संभाजी द्वितीय थे, जो ताराबाई के, ताराबाई ने पहले क्या किया था कि 1700 में शिवाजी द्वितीय को, ठीक है, शासक मानकर उसकी संरक्षिका के रूप में संचालन सत्ता का किया था, लेकिन शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद संभाजी को उसने शासक बनाया, ठीक है, और इसी संभाजी के बीच, ठीक है, साहू और संभाजी के बीच एक संधि होती है, ठीक है, किसके बीच में, साहू प्लस शंभा, इनके बीच एक संधि होती है, और उस संधि में संभाजी ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। उस संधि का नाम था वारना की संधि, वारना की, ठीक है। 1700, अब देखिए 1724 में सपूरखेड़ा का युद्ध, मुबारिज खां के विरुद्ध निजामुल मुल्क की सहायता किसने की थी, बाजीराव प्रथम ने। 1728 में ही पालखेड़ा का युद्ध शुरू होता है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में, जिसमें निजामुल मुल्क पराजित होता है, ठीक है। उसके बाद 1731 में त्रिम्बक राव, ठीक है, एक मराठा सरदार थे, उसको दाभोई के युद्ध में, दाभोई के युद्ध में, ठीक है, बाजीराव ने परास्त किया था। उसके बाद 1731 में ही इसी के मध्यस्थता से क्या हुआ, संभाजी और साहू के बीच में एक संधि हुई, वह संधि वारना की संधि कहलाती है। इसी वारना की संधि में संभाजी ने साहू की अधीनता स्वीकार की, ये घटना ये हुई। फिर हम आते हैं 1737 में, 1737 इस 37 में उस समय निजाम के साथ, निजाम के साथ भोपाल का युद्ध हुआ, भोपाल का, ठीक, कौन सा युद्ध, 1737 में भोपाल का युद्ध, और भोपाल के युद्ध के बाद दुरई शराय की संधि होती है, दुरई शराय की संधि, ठीक है। इस युद्ध में निजाम पराजित होता है और वो क्या करता है कि नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र इसको सौंप देता है, ठीक है, और मालवा का क्षेत्र भी इसे दे देता है, मालवा और नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र इसे सौंप देता है। कौन सा युद्ध होता है 1737 में, भोपाल का युद्ध, किसके साथ, निजाम के साथ होता है। संधि कौन सी होती है, दुरई शराय की संधि होती है, ठीक है। अब हम आते हैं, पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, 1724 याद रखिए, 1728 याद रखिए, 1731 याद रखिए और 1737 याद रखिए, ठीक है। इसके बाद एक और आपको मिलेगा, सपूरखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, 31 में त्रिम्बक राय को डाभोई के युद्ध में परास्त किया, और 31 को ही साहू और संभाजी के बीच में वारना की संधि होती है, 37 में निजाम के साथ भोपाल का युद्ध होता है, और इसके बाद दुरई शराय की संधि होती है, जिसमें मालवा का क्षेत्र और चंबल और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र इसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसके बाद उस समय हमारे देश में यूरोपीय कंपनी आ चुकी थी, और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के बाद जो है हम देखते हैं 1739 में, 39 में, ठीक है, इसने पुर्तगालियों को परास्त किया, पुर्तगालियों को परास्त किया, और परास्त करने के बाद सालसेट और वशीन प्लस वशीन इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। अब कभी हम बाजीराव के विषय में अगर जानने का प्रयास करें, उसके विषय में समग्र अध्ययन करें, तो आप पहली बार तो उसके जो प्रमुख कार्य थे, एक 1724 में, दूसरा 1728 में, ठीक, 1724 में निजाम को सहायता दिया था, निजामुल मुल्क को सहायता दिया था,
मुबारिज खां के विरुद्ध दिया था। 1728 में इसी निजामुल मुल्क के साथ उसका युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध, ठीक है। और उस पालखेड़ा के युद्ध के बाद इनके बीच में संधि होती है। 1731 में दो घटनाएं होती हैं, एक तो डाभोई का युद्ध, त्रिंबक राय जो मराठा सरदार था उसको परास्त किया इसने, और वारना की संधि होती है जिसमें संभाजी द्वितीय और किसके साथ, साहू के साथ, ठीक है। उसके बाद 1737 में भोपाल का युद्ध होता है निजाम के साथ, जिसमें निजाम परास्त होता है। और भोपाल के युद्ध के बाद दुरई सराय की संधि होती है। उस दुरई सराय की संधि में चंबल और नर्मदा के बीच का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र से प्राप्त होता है। फिर 1739 में साली पुर्तगालियों को परास्त करने के बाद सालिसेट और वशीन दोनों प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये आप इसके विषय में, बाजीराव के विषय में मैंने आपसे कहा इसने क्या किया, बुर्ला युद्ध नीति को पुनः इसने शुरुआत की, जो कि मराठों की एक प्रबल युद्ध नीति थी शिवाजी के समय में। इसके बाद इसने क्या किया, हिंदू पद पातशाही का आदर्श स्थापित किया, अपने सामने रखा, ठीक है। और इसके समय में मराठा शक्ति सर्वोच्चता पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। अब हम दूसरा आते हैं, नेक्स्ट पेशवा आपके, इन पेशवा का नाम है बालाजी बाजीराव। बाजी मैंने आपसे कहा था पहले पेशवा कौन थे, 1740 से लेकर 61 थे बालाजी विश्वनाथ, और दूसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इसी प्रथम और द्वितीय को मिलाकर ये तृतीय का निर्माण हुआ, ठीक है। नाम जरा देखिए, एक बालाजी ले लीजिए और उसमें बाजीराव ले लीजिए, तो बालाजी बाजीराव ये तीसरे पेशवा हो गए, ठीक है। अब इनके शासनकाल में जरा देखिए, अभिलाषा जी, अभिलाषा जी, आम्रपाली जी, जी सर, हमने कहा आवाज आ रही है स्पष्ट, जी सर आवाज आ रही है और बोर्ड भी दिख रहा है सर, सब कुछ ठीक है ना, जी सर, चलिए। अब देखिए आते हैं बालाजी बाजीराव के, बालाजी बाजीराव के समय की एक प्रमुख घटना आपने देखी होगी, जब सुनी भी होगी, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। उसके पहले हम कुछ चीजों को देख लें, इसके शासनकाल में एक आपका 1741, ठीक है, ये घटना आपको 1748 1749 एक घटना 1750 एक 1752 ठीक। उसके बाद 1757 1761 देखिए हम आपको एक तरीके से ऐसे करके आप याद रखेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। बालाजी बाजीराव जब शुरू करेंगे तो 1740 से लेकर 1761 के बीच में टाइम पीरियड हमको पता है, और इस टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, एक 1741, दूसरा 1749, फिर 1750, 1752, 1757 और 1761, ठीक है। यह अपने पिता के समान योग्य शासक नहीं था बालाजी बाजीराव, जिस तरीके से योग्यता बाजीराव प्रथम में थी वैसी योग्यता इसके अंदर नहीं थी, न सैन्य योग्यता थी न शासकीय या प्रशासकीय योग्यता इसके अंतर्गत थी, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो इन सन को, इन काल को अगर याद कर लीजिएगा,
1741 1749 50 52 57 61 ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा। अब देखिएगा क्या 1741 में क्या हुआ था, बंगाल का शासक उस समय अली वर्दी खान था। बंगाल जो राज्य था वहां का शासक कौन था, अली वर्दी खान, अली वर्दी। इस शासक को मराठों का एक सरदार था रघुजी भोसले, इस शासक को जो उड़ीसा में उस समय अपने अधिकार की स्थापना करने में जुटा हुआ था, वह अली वर्दी खान को परेशान कर रहा था। कौन था नाम, रघुजी भोसले, रघुजी। बालाजी बाजीराव ने इस बंगाल, ये कहाँ का था, बंगाल का, ठीक है, बंगाल के शासक अली वर्दी खान को सहायता प्रदान की, ठीक, और रघुजी भोसले को परास्त किया। कब किया, 1741 में। इसके बदले अली वर्दी खान ने क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ को अपने बंगाल से चौथ प्लस सर देशमुखी, ठीक, ये दो प्रकार के कर थे। अभी मैं प्रशासन में आऊंगा तो इसको मैं पढ़ाता हूँ कि ये दोनों वसूल करने का अधिकार दे दिया है, ठीक है। कहाँ से, बंगाल में उस समय उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है, यहाँ से उसने क्या किया, चौथ और सर देशमुखी प्राप्त करने का अधिकार बालाजी। और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए वार्षिक कर भी देना स्वीकार किया, ठीक है। 1741 बंगाल, अली वर्दी खां और रघुजी भोसले के बीच संघर्ष, जिसमें बालाजी बाजीराव अली वर्दी खां को सहायता देता है, अली वर्दी खां इसमें रघुजी भोसले को परास्त करता है, इसने चौथ और सर देशमुखी अपने क्षेत्रों से वसूल करने का अधिकार बालाजी बाजीराव को दिया और 10 लाख रुपए वार्षिक कर भी प्रदान किया। ये घटना ये हुई। दूसरी घटना जरा देखिए, 1749 में साहू जी का देहांत, यानी साहू जी की मृत्यु 1749 में होती है। कब, दिसंबर, जरा देखिए, दिसंबर 49 में, यहां मैं दे रहा हूं, दिसंबर 49 में साहू जी की मृत्यु। उसके बाद 1750 जनवरी, जरा देखिए, जनवरी 1750 में यहां पर राजा राम द्वितीय, अब देखिए संभाजी के स्थान पर क्या, राजा राम द्वितीय, राजा राम द्वितीय या शासक बनता है, यानी कि किसके स्थान पर, साहू जी के स्थान पर मराठा छत्रपति कौन बनता है, राजा राम द्वितीय बनता है। इसी राजा राम द्वितीय से ही 1750 में एक घटना और होती है कि संगोला की संधि होती है, संगोला की संधि, ठीक है। अब 1750 को हम दो विषयों के विषय में जानेंगे उसको, कि दो घटनाएं प्रमुख थी, एक जनवरी में राजा राम द्वितीय प्रमुख बनता है और दूसरी संगोला की संधि होती है, किसके बीच में, राजा राम द्वितीय और पेशवा के बीच में, पेशवा कौन रहता है, बालाजी बाजीराव रहता है, इनके बीच संधि होती है। अब संधि की शर्तें क्या थी, कि अब छत्रपति नाम मात्र का छत्रपति रह गया, संपूर्ण शक्ति संधि के द्वारा पेशवा में केंद्रित हो गई और पेशवा पद वंशानुगत हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, संपूर्ण शक्ति पेशवा में निहित हो गई, पेशवा पद वंशानुगत हो गया और ये नाम मात्र का शासक रह गया, केवल नाम था बस और कोई कार्य इसका नहीं था। संधि कौन सी थी, संगोला की संधि,
किस समय घटित हुई? 1750 में। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ। उसके बाद 1752 में, ठीक 1752 में मुगलों के साथ एक संधि हुई बाजीराव, बालाजी बाजीराव की, और वह संधि पूरे मुगल, पूरे साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से चौथ और सर देशमुखी वसूल करने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ। आप लोग कभी चौंकिएगा नहीं अभी कि चौथ सर देशमुखी, बार बार ये नाम आ रहा है, आखिर क्या नाम है किसका? अभी एक कर है ये, ठीक है, उस कर के विषय में बताऊंगा, प्रशासन जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बताता हूँ। तो संपूर्ण कहाँ से? मुगल साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से चौथ और प्लस सर देशमुखी वसूल करने का अधिकार मराठों, वसूल करने का अधिकार, ठीक है, मराठों को कब हुआ? 1752 में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आप एक और देखिएगा, 1754 देख लीजिएगा, 1754 फिर 1757 देखिएगा। 1754 में क्या हुआ कि उस समय गाजियुद्दीन मुगलों का वजीर था। आप ध्यान जरा दीजिएगा कहाँ में, मुगलों का वजीर कौन था उस समय? गाजियुद्दीन था। ठीक है, जिस सफदरजंग था उसके बाद गाजियुद्दीन ने उसको हटाकर मुगल, मुगलों का वजीर बना था। ठीक है, गाजियुद्दीन की सहायता से इसने 1754 में क्या किया, अहमद शाह जो उस समय मुगल बादशाह था उसको हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठाया। 1754 में आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह की गद्दी पर, मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठा है। ये कब हुआ था? 1754 में। ठीक है, 1757 में जरा देखिएगा, 1757 में इसने उस समय मीर बख्शी, मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी पद था, उस मीर बख्शी पद पर नजीबुद्दौला था जो रुहेला सरदार बैठा था, उसको हटाकर अहमद खां बंगस को मीर बख्शी पद प्रदान किया। 1757 में अहमद खां बंगश को, अहमद खां बंगश को मीर बख्शी पर, मीर बख्शी बना। ठीक है, इसके बाद जो प्रमुख घटना घटित होती है वह 1761 में पानीपत का युद्ध, किसके बीच होता है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट करा दे रहा हूँ, बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 के बीच में, उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं 1741, 1749, 1750, 1752, 1754, 1757, 1761। ठीक, 41 में अली वर्दी खां और रघुजी भोसले के बीच संघर्ष होता है, अली वर्दी खां की को सहायता देता है ये, और यह विजयी होता है, बंगाल के क्षेत्र से चौथ और सर देशमुखी वसूल करने का अधिकार और 10,00,000 रुपये वार्षिक कर के दिया जाता है। 1749 में साहू जी का देहांत होता है दिसंबर में। 1750 में राजा राम द्वितीय गद्दी पर बैठता है। संगोला की संधि होती है राजा राम के साथ और छत्रपति नाम मात्र का बादशाह बनता है और उसके पास संपूर्ण शक्ति पेशवा में केंद्रित हो जाती है और पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया जाता है। ठीक, 1752 में क्या हुआ, संपूर्ण मुगल साम्राज्य से चौथ और सर देशमुखी वसूल करने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ। 1754 में आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया इसने। 1757 में अहमद खां को मीर बख्शी पद प्रदान किया। अगर आप चाहें तो इसमें से एक 1700
1750 और 1749 ये दोनों याद रखें, शेर और 1761 ये तीन पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपका कार्य आरओ यारो के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी तो मैं एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ आपको। ठीक, अब हम आते हैं पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट आप लोग दीजिए पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध के प्रमुख जो मुख्य बातें हैं उसमें याद जो रखना है, जो कभी नहीं भूलना है पानीपत के युद्ध के विषय में। ठीक है, पानीपत के तीन युद्ध होते हैं। इन तीनों युद्ध में प्रथम युद्ध 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सॉरी 1526 में, 1556 में अकबर और हेमू के बीच। ठीक, और उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा रहता है उनकी सेनापतियों के बाद। ठीक है, 1761 पानीपत का तृतीय, पहली बात यहां देखिएगा इस समय मराठों का किसके बीच, जरा देखिए अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली कौन था, यह अब्दाली जो है नादिर शाह का वंशज था। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, पहला आक्रमण 1748 से शुरू होता है, 1748 में किया, 1749 में किया, 1752 में किया, 1756 में किया। ठीक है, और उसके बाद इसने 1761 में किया, फिर 1764 में किया और फिर 1767 में किया। अब्दाली का जो आक्रमण भारत पर था, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, 1748 49 52 के बाद आपका 61 64 67, कितनी बार आक्रमण हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और है 51 के बाद 56 और उसके बाद आपका 61, ये 7 बार इसके आक्रमण होते हैं 1748 49 52 56 61 64 67। ठीक है, इसी में ये आक्रमण आपका पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली और मराठों के बीच होता है। और मराठा सेनापति जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस समय मराठा सेनापति कौन रहता है, विश्वासराव। ठीक, यह मतलब नाबालिग रहता है, बालाजी बाजीराव का पुत्र रहता है विश्वासराव। और वास्तविक सेनापति कौन रहता है, सदाशिवराव भाऊ, सदाशिव राव, यह बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई रहता है। ये चीज एकदम दिमाग में रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है कि वास्तविक सेनापति, वास्तविक, ठीक, और जो नामित सेनापति था, नामित वो कौन था, बाजीराव, और वास्तविक जो संचालन कर रहा था वो सदाशिवराव भाऊ कर रहा था, जो कि बालाजी बाजीराव का भाई था और विश्वास राव उसका पुत्र था या नाबालिग था। ठीक है, ये चीज दिमाग में आ गई होगी। इनके बीच जब युद्ध होता है, इस युद्ध में बड़ी बुरी तरीके से मराठा परास्त होते हैं। ठीक है, और एक इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, मल्हार राव होलकर, क्या नाम है, मल्हार राव होलकर, यह युद्ध क्षेत्र से भाग निकलता है। ठीक है, कभी आ जाए पानीपत के युद्ध में किसने धोखा देकर मराठों का साथ छोड़ा था, तो यह युद्ध क्षेत्र में मल्हार राव होलकर भाग निकलता है। इस युद्ध क्षेत्र की एक खासियत और समझिएगा,
इस युद्ध क्षेत्र की खासियत समझिएगा कि इस युद्ध क्षेत्र में मराठों का साथ कोई नहीं दिया था, ठीक है, सिर्फ जाटों का सूरजमल जो है वो पहले युद्ध प्रारंभ होने के पहले मराठों के साथ था, लेकिन युद्ध के समय या मराठों का साथ नहीं दिया, यानी कि न्यूट्रल हो चुका था सूरजमल, जिसको आपको जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है सूरजमल, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में आपके रोहेला, आपके बंगश पठान, राजपूत, सिख कोई भी मराठों का साथ नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में कोई मराठों का साथ नहीं दी, ये केवल जो है मुगल वजीर था इमादुल मुल्क, इमादुल, ठीक है, इसने जो है मराठों का साथ दिया था। और मराठों का इस समय तोपखाना का जो प्रभारी था वो इब्राहिम खान था, ये बात मेरी एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, मैं एक भी बात इसमें ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जो आपके काम की ना हो। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, जनवरी 1761, ध्यान रखिएगा कब, जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, बालाजी बाजीराव, ठीक, मराठा पेशवा, विश्वास राव को इसने सेनापति नियुक्त किया, नाबालिग था, लेकिन वास्तविक सेनापति कौन था, सदाशिवराव भाऊ जो उसका भाई था। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर युद्ध क्षेत्र से ही भाग निकलता है, एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क इसके साथ रहता है, और इसमें जो है मराठों के तोपखाना का जो प्रभारी रहता है वो इब्राहिम खान रहता है, ठीक है। और उस समय की जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे राजपूत थे, सिख थे, आपके रोहेला सरदार थे, बंगश फरुखाबाद के बंगश पठान थे, इन सब किसी ने भी इसको साथ नहीं दिया था, इसका साथ नहीं, ठीक है, ये चीज देखिएगा। अब इस युद्ध में ये सब मारे जाते हैं सारे लोग, विश्वास राव, सदाशिव राव, इब्राहिम खान गार्दी, ये सब मारे जाते हैं। और इस युद्ध की सूचना एक काशी व्यापारी था, काशीराज नामक व्यापारी ने, इसका नाम पंडित काशीराज था व्यापारी ने, इसकी सूचना बालाजी बाजीराव को प्रदान की, ठीक है, कि सभी लोग मारे गए। उसने सूचना कैसे दी कि दो मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी और तांबे की में कितनी क्षति हुई इसका अंदाजा नहीं लगा सकती, ठीक है। उसने इस रूप में दो मोती विलीन हो गए, यानी दो मोती कौन, विश्वास राव और सदाशिव राव, ठीक है। और प्रमुख मराठा सरदार, जो 27 मराठा सरदार थे, वह लुप्त हो गए, और चांदी और तांबे की कितनी क्षति हुई इसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इस युद्ध में 28,000 मराठा मारे गए थे, ठीक है। इस युद्ध के बाद मराठा जो कि एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय हो रहा था, किसके, मुगलों के एक विकल्प के रूप में सामने आ रहे थे, वह पतन की तरफ गए हैं। और इसी युद्ध के बाद जनवरी में युद्ध होता है, और जून में बालाजी 1761 में बालाजी का देहांत। ठीक है, जून 61 में इसका देहांत हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि माधव राव शासक बनता है, माधव राव, कब इसका, 1761 से लेकर 1772। माधव राव के शासक बनने के बाद इसने मराठा शक्ति को की पुनरुत्थान की कोशिश की, और इसके समय में
जो क्षति पहुंची थी मराठों को, इसने पुनः उसकी स्थापना करने का प्रयास किया, ठीक, पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया माधवराव के समय। माधवराव के समय में जो महत्वपूर्ण कार्य थे, एक तो इसने निज़ाम को हराया था, हैदराबाद के निज़ाम, निज़ाम को परास्त किया, ठीक है, परास्त कब किया था, 1763। परास्त होने के बाद निजामों से कौन सी संधि हुई, राक्षस भुवन की संधि, राक्षस भुवन की संधि, ठीक है, एक ये कार्य हुआ 1763 को। इसके बाद इसने मैसूर के जो हैदर अली थे, हैदर अली को भी इसने परास्त किया था, ठीक है, हैदर अली को परास्त किया। ये कब हुआ था, 1771 में, 1771 में एक और घटना हुई, जब मराठों की सहायता से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मैं आपको बताया था 1769 में जब शाह आलम द्वितीय शासक बना था तो वो बिहार में उपस्थित था, और बिहार से फिर वह नजीबुद्दौला के डर से कभी दिल्ली नहीं पहुंचा था, और यहाँ पर 1771 में महादजी सिंधिया, ध्यान रखिएगा, महादजी सिंधिया के प्रयासों से, सिंधिया के सहायता से शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अब देखिए माधवराव के समय तीन महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, 1763, 1771, 1773। निजाम को पराजित किया, राक्षस भुवन की संधि निजाम के साथ, ये हैदराबाद, वो निजामुल मुल्क नहीं है, ये हैदराबाद के निजाम, ठीक है। उसके बाद हैदर अली को परास्त किया, और फिर मैसूर का शासक था, और फिर महादजी सिंधिया की सहायता से शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता, ठीक है। इसकी मृत्यु के, इसको टीबी से, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नारायण राव शासक बनता है, नारायण राव का सिर्फ कार्यकाल आप समझते रहिएगा, नारायण राव आपका 1772 से लेकर 74, ठीक है। उसके बाद दूसरा शासक होता है माधव राव नारायण, यह माधव राव नारायण जो है 1774 से लेकर 96 तक, ठीक है। यह माधव राव नारायण के शासनकाल में नाना फड़नवीश का उदय होता है, ठीक है, ठीक। नाना फड़नवीश के उदय से यह परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है, हत्या करता, ठीक है। और माधवराव नारायण के समय में देखिए नाना फडणवीस को मराठों का ये पुष्का कहा जाता है कि मराठों को मस्तिष्क, ठीक है, इसका उपनाम से इसको संबोधित किया गया था, नाना फडणवीस को, ठीक है। नाना फडणवीस की जरूरत होती है तो पामर नामक के इतिहासकार, मतलब उसके विषय में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहता है, वो कहता है कि मराठाओं का धैर्य और उसका साहस का आज अंत हो गया, यह नाना फडणवीस वही थे। इसका मूल नाम जो था रामचंद्र, और इसने जो है माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो आपका प्रमुख, जो पेशवा, अंतिम पेशवा बनता है, उसका नाम है बाजीराव द्वितीय,
बाजी राव, इसी के समय में इसका कार्यकाल आप जरा देखिएगा 1796 से लेकर 1818 तक है। इसी के शासनकाल में लास्ट में अंग्रेजों ने 1818 में, मैं जब अंग्रेजों के कंपनियों के विषय में और कंपनियों का उत्कर्ष बताऊंगा तब इसके विषय में और डिटेल से अध्ययन करूंगा, ठीक है। बस आप इतना जानते रहिए कि 1818 में अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। लास्ट शासक कौन रहता है? बाजीराव जी। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं शालिनी जी। जी सर। हमने कहा 10-10 हो रहा, आगे कंटिन्यू करें? सर अब बस दो ही लोग हैं, तीन लोग, बाकी लोग लेट हो चुके हैं। लेफ्ट क्यों हो गए? सर तब फास्ट भी तो होगा। अच्छा, ओ जी सर, मैं भूल गया। चलिए आज ऐसा करते हैं, सिर्फ इसमें मराठा प्रशासन बाकी है, ठीक है जी सर। तो मैं आज यहीं पे, क्योंकि पेशवा समाप्त हो गया है तो मैं आज यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। आप लोग, मेरे दिमाग में नहीं था कि आज फास्ट भी है, वैसे मैं भी फास्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भूल चुका था। तो चलो ठीक है, फिर ऐसी करते केवल मराठा प्रशासन है, इसको मैं समाप्त करने के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके ओके।